من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ये बात चल रही थी कि अल्लाह के जिक्र का दिल में न उतरना या तो जिक्र की तौफीक ही न हो या जिक्र करता है मगर अल्लाह की मोहब्बत जिक्रुल्लाह में तड़प उसकी मोहब्बत में आंखों से आंसुओं का न बहना दिल के अंदर तड़प न पैदा होना इसके असबाब हैं। क्यों मोहब्बत नहीं पैदा होती? आदमी अल्लाह 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 करता है, नमाज पढ़ता है, क्यों नहीं दिल लगता? उसके लिए सबसे बड़ा बुनियादी सबब है कमाई का खराब होना। हराम माल पेट में जाना ये बड़ा बुनियादी सबब है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके सिवा और भी असबाब हैं, इतने बुनियादी नहीं। ये तो जड़ है हर शर की, अल्लाह से दूरी की, आखिरत की फिक्र दिल में न होने की, अल्लाह के नबी से मोहब्बत न होने की जड़ है रिज़्क़ हराम। जिसके पेट में हराम जाता है, जिसकी आंख में देखने की ताकत हराम से बनती है, जिसके कान में सुनने की ताकत हराम से बन रही है, जिसकी जबान में हाथ में पैर में जिस्म के रगो रेशे के अंदर ताकत हराम खाकर बनी है, अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से पैदा हो जाएगी? ये तो सबसे बड़ा बुनियादी सबब राह हक से महरूम होने का है। अगर जरा भी है हराम की मिलावट तो अल्लाह के जिक्र का या तो तौफीक ही नहीं होगी, अगर करेगा तो उस जिक्र का असर नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा था कि यही नहीं है, गुनाह ये भी एक सबब है। गुनाह कहते किसको हैं? इसको जब तक आदमी नहीं समझेगा उस वक्त तक गुनाह की अहमियत उसके दिल में नहीं पैदा होगी। गुनाह हर उस काम को कहा जाता है जिससे अल्लाह नाराज हो, इसी को मासियत कहते हैं अरबी में। जिस काम से अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, इसका मतलब है कि न अल्लाह उस काम के करने से खुश होता है, न अल्लाह का रसूल खुश होता है, नाराज होता है, तभी तो मना किया। इसलिए अल्लाह के जिक्र की तौफीक ना होना या
अल्लाह के जिक्र का दिल और जान पर असर ना होना उसकी बहुत बड़ी एक बुनियाद गुना, यानी ऐसे कामों में लगना, ऐसे कामों को करना जिनसे अल्लाह खुश नहीं होता, नाराज होता है। जिस काम के करने वाले से अल्लाह नाराज है उस पर खुदा की रहमत कहां से उतरेगी? उसको जिक्र की तौफीक कहां से होगी? उसको जिक्र में लज्जत कहां से होगी? उसको अल्लाह से मोहब्बत कहां से हो जाएगी? उसको रसूलुल्लाह की इताअत की तौफीक कहां से हो जाएगी? इसलिए एक बहुत बड़ा सबब जिक्रुल्लाह की पाबंदी की तौफीक न होना, या नफ्स जिक्रुल्लाह की तौफीक न होना, या जिक्रुल्लाह के अंदर दिल न लगना। और इसी वजह से पाबंदी का न होना, गौर करना चाहिए अल्लाह के जिक्र से तू मोहब्बत अल्लाह से पैदा करना चाहता है, और हमारे गुनाह अल्लाह को नाराज करना चाहते हैं। तो ये जो आपस में खींचा तानी है, इसका नुकसान जिक्र करने वाले को पहुंच रहा है कि उसका दिल अल्लाह की तरफ चलता नहीं, क्योंकि अल्लाह तो नाराज है। ये गुनाह का असर है। उसको जाहिरी तरीके पर कुरान कहता है, और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी कोई गुनाह करता है, मान लीजिए बिल्कुल साफ था, अब तक गुनाह नहीं किया था, मिसाल के तरीके पर दिल बिल्कुल नूर था और साफ था, सुथरा था, मुनव्वर था, मोमिन जब पहला गुनाह करता है तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस गुनाह की नहुसत से उसके साफ सुथरे चमकदार दिल के ऊपर एक धब्बा पड़ जाता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जैसे सुई चुभती है, यूं समझो कि एक बहुत बारीक धब्बा पड़ जाता है। अगर खुदा ने तौबा की तौफीक दे दी, एहसास हो गया कि मैंने गुनाह कर लिया, अब रोता है, तड़पता है, आए अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह इस तौबा की बरकत से वो तो मायल बकरम हैं, रहमत फरमाते हैं कि मेरा बंदा इस गुनाह के असर से परेशान है, मांग रहा है, और अल्लाह की सिफत है गाफिरुद्दम्ब काबिलुत्तौ, तौबा को कबूल करने वाला, गुनाह की मगफरत करने वाला। तो अल्लाह उसके दिल से उस गुनाह को, धब्बे को धो डालते, दिल पहले की तरह फिर मुनव्वर चमकदार हो जाता है। गुनाह किया था, उसका धब्बा पड़ गया था, लेकिन तौबा की तौफीक हो गई खुदा की तरफ से, जो उस गुनाह का असर मोमिन के दिल पर पड़ा था, इस तौबा ने उस असर को दूर कर दिया और
दिल पहले की तरह फिर चमकदार हो गया। लेकिन अगर बदनसीब है इंसान और तौबा की तौफीक नहीं हुई, गुनाहों की तरफ चलता रहा, तो वो धब्बा हर गुनाह पर पड़ते पड़ते बढ़ते 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 यहां तक के सारा दिल सियाह हो जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जो गुनाह करते थे करते थे करते थे, इनके कुलूब पर उस गुनाह का धब्बा जंग चढ़ गया असर, अब दिल सियाह हो गया। इनको अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की दावत बुलाना, खैर की तरफ कोई चीज इनके दिल में उतरती ही नहीं है। ये है गुनाह का असर। अब वो जो गुनाहों का धब्बा दिल पर पड़ा है, अल्लाह की मोहब्बत की जगह दिल ही तो है। जिस किसी की मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत का असर सबसे पहले मोमिन आदमी के दिल और कल्ब के ऊपर पड़ता है। अल्लाह की मोहब्बत की भी जगह कल्ब मोमिन है, और यही कल्ब सियाह हो रहा है। सियाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अब मोहब्बत खुदावंदी जिसकी जगह मोमिन का दिल है, इस मोमिन पर इस इबादत का असर कैसे हो, तड़प कैसे पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत बढ़े किस तरह, ये बीज इसके अंदर पड़े कैसे। जमीन इस लायक नहीं है कि कोई बीज पड़े और उससे पौधा मोहब्बत का पैदा हो। ये बुनियाद है इस बात की कि हर अल्लाह के जिक्र करने वाले को बड़े बड़े सूफिया मशायख, जिनको अल्लाह ने शेख भी बनाया था और कुरान और हदीस का इल्म भी दिया था, वो लोग एक बड़ी बुनियाद बताते हैं अल्लाह के जिक्र के असर की, पाबंदी की, मोहब्बत की, कि अपनी जिंदगी पर तवज्जो कर क्या गुनाह हो रहे हैं, उनसे तौबा कर। अगर गुनाह भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह की दर्द भी लग रही है, इसका असर दिल कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि गुनाहों की वजह से दिल सियाह हो रहा है। जरूरी है कि पहले तौबा कर, अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक कर। पाक करेगा तो अल्लाह इस दिल के अंदर अपनी मोहब्बत का बीज डाल देगा, वो यही जिक्रुल्लाह है। पाबंदी होगी, जिक्र करेगा, उसका असर होगा, कल्ब अपने महबूब की तरफ मायल होगा, दिल में तड़प पैदा होगी, आंखों से आंसू बहेंगे, रोएगा, और दिन ब दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ आगे बढ़ेगा। ये बुनियाद है अल्लाह के जिक्र की, पाबंदी न होने की।
तो कहते हैं कि पाबंदी नहीं होती। क्यों नहीं होती पाबंदी? अरे जब खाने में पाबंदी होती है, पीने में पाबंदी होती है, सोने में पाबंदी होती है, अल्लाह के जिक्र में पाबंदी क्यों नहीं होती है? पाबंदी के लिए अल्लाह की रहमत जरूरी है। रहमत खुदाबंदी जब होगी, जब अल्लाह राजी हो। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह नाराज है। जिस दिल में मोहब्बत का दरख्त उगना था, बीज डाल रहा है, वो दिल इस लायक नहीं है, जमीन इस लायक नहीं है कि बीज पड़े तो दरख्त पैदा हो। जमीन होती है, खारी जमीन के अंदर गेहूं डाल दो तो गेहूं को भी खा जाएगी, दरख्त थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। पहले इस जमीन को इस लायक कर कि तू अल्लाह के जिक्र का बीज इसमें डालेगा तो मोहब्बत खुदावंदी का लहलाता दरख्त पैदा हो। इस जमीन को इस लायक बना। अगर तूने गुनाहों से तौबा कर ली, अपनी आंख को, अपने कान को, अपनी जबान को, अपने हाथ को, अपने पैर, अपने दिमाग को, अपने दिल को अल्लाह की मासियत से बचा लिया, पाक कर लिया। गुनाह सिर्फ हाथ पैर से नहीं होता है, दिमाग गुनाह की बहुत बड़ी बुनियाद है। पहले सोचता है आदमी, मुझे ये गुनाह करना कैसे चाहिए? गुनाह है, दिल चाहता है गुनाह करना, ये गुनाह है। जब तूने गुनाहों से अपने आप को पाक कर लिया, पाक करने का मतलब यही नहीं है कि न करे, ये भी है, लेकिन अगर हो जाए तो तौबा कर। सच्ची तौबा है, अल्लाह माफ फरमा दीजिए, तब होगी अल्लाह के जिक्र की तौफीक, तब होगा जिक्र के ऊपर पाबंदी मुदावमत, तब इस जिक्र की कबूलियत होगी। जिक्र की तौबा का, गुनाह की तौबा करना, ये कैसे हो? कितना गुनाह को सोचे आदमी, तो बड़े बड़े मशायख ने उसके लिए तरीका बताया है, उसको सोचना चाहिए। फरमाते हैं कि हर नमाज से पहले जो नमाज थी, मसलन जोहर की नमाज में बैठे, ये 5 मिनट पहले बैठकर ये सोचो कि फज्र से लेकर और जोहर तक मुझसे क्या क्या गुनाह हुए। जितने गुनाह समझ में आए, हर नमाज से पहले तौबा करो सच्चे दिल से कि आए अल्लाह माफ फरमा। हर नमाज से पहले यही करो, असर से पहले, जोहर और असर के दरमियान में, मगरिब से पहले, असर और मगरिब के दरमियान, ईशा से पहले, मगरिब और ईशा के दरमियान, फजर से पहले, ईशा और फजर के दरमियान। ये एक सबक दिया करते थे, यानी अपने आप से हिसाब लेते चलो। अगर नहीं होता,
हर नमाज से पहले 24 घंटे में एक ही दफे कर लो। नहीं होता, चलो हर हफ्ते में एक दफे कर लो, हर जुमे के दिन। सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तबकीर, जुमे की नमाज में मस्जिद में नमाज से पहले जाना, आधा घंटा एक घंटा। लोग तो लिखते हैं बाद लोगों के लिए कि जुमे के लिए मस्जिद में अंधेरी रात में चिराग लेके जाया करते थे, रात में पहुंचते थे, फिर निकलते नहीं थे जुमे तक, ताकि तबकीर हो जाए जो हदीस के अंदर आता है। बैठ के सोचो कितने गुनाह हुए। ये तौबा को हासिल करना, तौबा करने का हुक्म है, इस्तिग़फ़ार और तौबा। अल्लाह के नबी इस कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे कि सहाबा कभी कभी गिनते थे एक एक मजलिस में 100-100 और 70-70 मर्तबा इस्तिग़फ़ार किया था। बताने के लिए उम्मत को सबक। हमारा हाल तो यह है कि महीनों गुजर जाते हैं, एक दफे भी तौबा नहीं होती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी अच्छी बात की, वो फरमाते हैं जो दुनिया में अपने आप से हिसाब लेता चलता है, कयामत के दिन उसका हिसाब आसान हो जाएगा अल्लाह के सामने। क्यों? अल्लाह के यहां जो हिसाब होगा, ये तो दुनिया में हर नमाज से पहले उसे चुकता करता जाता था, सोचता था जो गुनाह होते थे, अल्लाह से तौबा करता जाता था, सियाह नामे आमाल को तौबा और इस्तग़फ़ार से सफेद करता चला जाता था। अब कयामत के दिन रहा क्या इसके बाद? ये तो दुनिया में सारा काम अपना पूरा करके आया है, जो 10-5-2 गुनाह रह गए हैं अल्लाह के यहां उसकी मगफरत के बहुत ज़राए मिल जाएंगे। ये बड़ी अजीब बात फरमाई और तवज्जो के लिए मोमिन की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात। मुहद्दिसीन बताते हैं तिर्मिज़ी के अंदर कि उन्होंने फरमाया कि कयामत के दिन हिसाब में तख़फ़ीफ़, आसानी के लिए यह है कि अपने आप से दुनिया में हिसाब करते चलो, गुनाहों से तौबा करते चलो, अल्लाह से मांगते चलो, ज्यादा से ज्यादा तौबा करो, रो, कहो है अल्लाह माफ फरमा दे, मैं तो एक नापाक कतरे से बना हुआ तेरा बंदा हूं, तूने बनाया है, मेरे अंदर तो ऐब ही ऐब है, तुझसे भीख मांगता हूं कि जो मैंने बो रखा है और कयामत के दिन काटना है, दुनिया में उसे माफ करता चल, तहस नहस करता चल। और अल्लाह गफ्फारुज़्ज़ुनूब है, गाफिरुज़्ज़म्ब कुरान में फरमाया है, वो माफ करता रहेगा। अब मैदान महशर में जब तराजू सामने होगा और कहा जाएगा कि आमाले सालिहा एक पल्ले में और गैर सालिहा जो गुनाह है वो दूसरे पल्ले में रखो, जहां गुनाह था वहां इसकी तौबा आएगी।
तरीका है जो कुरान में हदीस में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बनाया है। ये इसलिए कि जी नहीं चाहता इबादत करने को, नमाज कहते हैं दिल नहीं लगता नमाज में, ये सोचना चाहिए क्यों नहीं लगता। हमारी आंखों में रोशनी है तो अल्लाह ने दी है, जब चाहे दे ले, कितने अंधे हो जाते हैं। हमारे कानों में सुनने की ताकत है तो अल्लाह ने दिया, हमारी जबान में चखने और बोलने की ताकत है तो अल्लाह। इस अल्लाह की इबादत का जी क्यों नहीं चाहता? मैंने बताया कि सबसे बड़ा सबब तो ये है कि अक्ल हलाल नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा सबब है गुनाहों का वजूद और कसरत। जब गुनाह होगा तो अल्लाह के जिक्र की तलब दिल से नहीं हो, क्यों? हर गुनाह से दिल पर स्याही बढ़ रही है। पहले इस दिल की स्याही को बदल, इस दिल को मुनव्वर कर अपने। जब दिल मुनव्वर हो जाएगा तो अल्लाह तौफीक देगा और जिक्र के अंदर लज्जत भी मिलेगी। मेरे भाई, ये बहुत सूफिया जो अपने मुतवस्सिलीन को तंबीह किया करते थे, उसके अंदर चंद चीजें हैं। अक्ल हलाल है और गुनाहों से अपने आप को दूर रखना, और जो हो जाए उनसे तौबा करना, और सच्ची तौबा। अल्लाह जानता है कि सच्ची तौबा कर रहा है या सिर्फ जबान से तौबा है। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। हम तो सब सुबह से शाम तक गुनाहों में डूबे हुए रहते हैं, कुत्ते की तरह अपनी दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, मगर खुदा जिसको तौफीक अता फरमाए तो उसे गुनाहों से बचना चाहिए और कसरत के साथ अल्लाह से रो रो कर तौबा करनी चाहिए। ऐ अल्लाह, जो हो गए उन्हें माफ़ फरमा दे और अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।